भाजपा अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगली बैठक नवंबर के मध्य में उत्तर प्रदेश में कर सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा 7 अक्टूबर को नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की घोषणा के बाद यह पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। पार्टी ने जनवरी 2019 के बाद इसकी कोई बैठक नहीं की है। इससे पहले 18 अक्टूबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, जिसमें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा होगी। बता दें कि मीटिंग के दौरान पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तारीख और जगह करेगी। पूर्व में भी भाजपा महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले यूपी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित कर चुकी है। जून 2016 में भाजपा ने इलाहाबाद में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी। पार्टी ने इस चुनाव में सत्ता में वापसी की थी। यह पहली बैठक थी जहां भाजपा ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में दावा किया कि कांग्रेस देश भर में सिकुड़ रही है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।